तो ब्रो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी लोगों को एक बहुत ही मस्त वाला अनाउंसमेंट बताता हूँ, ठीक है। अनाउंसमेंट ये है ब्रो कि मैं इस वीक में संडे जो आने वाला है ना उसको मैं लाइव आऊंगा मेरे इंस्टा पर, तुम सबसे बातें करेंगे भाई वीडियो कॉल पर, ठीक है ना। ये मेरा आईडी देख रहा हो यहाँ पे, जाकर मेरे को फॉलो कर लो बिकॉज इस संडे लाइव होने वाला है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं भाई गेम। ओके एवरीवन, सो माय नेम इज आवर एंड ब्रो आज अपन माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाले एक बहुत ही शानदार जानदार वाली लाइब्रेरी, ठीक है। तुम लोग आ जाओ यार, एंड हाँ वो लाइब्रेरी ना सीक्रेट लाइब्रेरी है, तुम लोग आ जाओ फिर मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड तुम देख सकते हो भाई उधर क्रीपर खड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्रीपर वहां पे खड़ा है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। एंड एक और क्रीपर है, अबे क्या क्या एक और, अभी क्या मजाक हो रहा है क्या, ये लोग क्या बिल्कुल मतलब से टोली लेके आए क्या। तो भाई तुम देख सकते हो मेरा ब्रिज, इसको ना मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा मॉडिफाई करा है, मैं थोड़ा मैंने चेंजेस करे हैं इसके अंदर एंड भाई अभी ना थोड़ा और अच्छा लग रहा है ये ब्रिज। मैं तुमको चल के बताता हूँ वापस से, ठीक है। तुम देख रहे हो एग्जैक्टली ना मैंने जो पिलर्स थे उनके नीचे ब्रिक लगा दिए हैं एंड ये थोड़ी बहुत मैं लैंटर्न अंदर की तरफ लगाई है, बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, मोटा मोटा सेम ही है, ठीक है। अभी मैं तुमको नीचे जाके बताता हूँ ब्रो एग्जैक्टली ना अपना ब्रिज लग कैसे रहा है, ठीक है। मछली, ए मछली रुकना, अबे मेरी बात सुनना, रुक। अरे 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 मछली, मछली नाराज है भाई। एंड अब मैं आ चुका हूँ बाहर एंड ये ले, बड़ा दिमाग खराब करता है भाई ये मेरा। बच गए भाई, अपने पास ट्रिक है इस एंडरमैन को मारने की, ठीक है। एंडरमैन वेयर आर यू, ये ले। ओ भाई क्या, ये ले बड़ा। ओए नहीं यार, आयरन गोलम प्लीज हेल्प, हट। ओहो एंडर पॉप मिल गया ब्रो अपने को, टैप। बड़ा आया मेरे को मारेगा गोलम सर, गोलम सर वेरी गुड, मेरे थैंक यू को आप एक्सेप्ट करें गोलम सर प्लीज। इसको जाने दे, क्यों परेशान कर रहा हूं मैं इसको, मैंने दो दिन कैल्प तोड़ दिए थे इनको लगा देता हूं मैं। तो ब्रो मेरे को ऐसे लग रहा है ना मैं एंडर पॉप ऐसे मार मार के इकट्ठा कर लूंगा ढेर सारे एंडरमैन से यार, बहुत ही बढ़िया है। एक और पड़ा इधर, अरे भाई क्या बात है, अरे गोलम सबको मार देता है क्या। गोलम सर देखो आपने मारा, बहुत अच्छा है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ प्लीज। अरे यार मेरे घर पे मत खड़ा कर यार, उतर। तो मेरे पास में यार देख रहे हो तुम, यहाँ पे हो चुका है एंडरपल, मैं यहाँ पे रख देता हूँ उनको इसमें। ओके पहले से मेरे पास पड़े हैं भाई दो और हो गए, ओके चार एंडरपल अपने पास में हो चुके हैं अभी तक। अब मैं तुमको ना कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। पहले एंड बातों से भी पहले भाई मेरे को एक चीज बतानी है। देखो मैंने तुमको बोला था ना अपन नीचे जाके बताएंगे अपना ब्रिज कैसा लग रहा है, अभी अपन एक काम करते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं एंड देन देखो ब्रो अपना ब्रिज कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा और भी ज्यादा सिस्टमेटिक हो चुका है अभी, बिकॉज मैंने ना बाउंड्रीज पे बिल्कुल अलग तरीके से लॉक लगाया गया है, ठीक है। साइड में पिलर्स भी बड़े मस्त लग रहे हैं यार, ओवरऑल लुक काफी बढ़िया आया है अपने ब्रिज का। एंड ब्रो तुम लोगों को भी कल काफी ज्यादा पसंद आया था, ठीक है। अपना काम ही कुछ ऐसा है भाई, पसंद आता ही है यार, ठीक है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ ब्रो, आज मैंने सोचा है कि मेरे को भी बनाना है एक आर्मर स्टैंड, ठीक है। अब तुम सोचो भाई आपको एकदम से कैसे याद आया, ब्रो मैंने देखा था कि सभी लोग आर्मर स्टैंड बना के रखते हैं, मैं भी बनाऊंगा, मेरे को बनाना पड़ेगा। एंड आर्मर स्टैंड बनाने के लिए ना मेरे को जितना थोड़ी स्टिक्स जो होती है, ये रही स्टिक्स, ये रहे प्लैंक, अभी मैं बनाता हूँ, ठीक है। तुम रुको एक मिनट, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे nope। अबे बनना एक और छोड़ना है क्या यहाँ पे, कहीं स्मूथ स्टोन का स्लैब चाहिए क्या। तभी मैं सोचूं मेरे से बन क्यों नहीं रहा है ये, अभी अपना स्मूथ स्टोन बनाते हैं, एक मिनट में तुम रुक जाओ, ठीक है। ये रहा कोबल स्टोन, अभी इसको डालता हूँ उसके अंदर, भाई स्मूथ स्टोन बनना चालू हो जाए, चल 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 जल्दी बन। आज मेरे को आर्मर स्टैंड बनाना है कैसे भी करके, उसके ऊपर मैं अपने ना सोने का आर्मर चढ़ाऊंगा, कातिल लुक आएगा बिल्कुल, ठीक है। इधर आ, ओके स्लैब मेरे पास में आ चुकी है अभी एंड अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रख दिया एक यहाँ पे, अरे बनना कब बनेगा। ओके गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे स्मूथ स्टोन स्लैब बना लिया यार, इसको बनाने में दिमाग खराब हो गया मेरा एग्जैक्टली ना, मैं क्या करना था, सबसे पहले कोबल स्टोन को लेकर के उसको फर्नेस में डालना था, उससे स्टोन बनता है, देन वापस से फर्नेस में डालना है, देन स्मूथ स्टोन बनता है, उससे मेरे को बनती स्लैब, ठीक है। मेरे को नहीं पता था नाटक क्यों है, बहुत सिंपल से आर्मर स्टैंड के लिए यार, अब जो भी आपने करना पड़ेगा अब जाके मैं बनाऊंगा मेरी यार एक आर्मर का स्टैंड मस्त वाला, एंड मैं इसको गलत क्यों रख रहा हूँ। ओके गाइस फाइनली मैंने बना लिया अपना आर्मर स्टैंड, ठीक है। अभी एक्चुअली में है क्या ना, मेरे पास केवल एक आर्मर है, इसलिए मैंने एक ही आर्मर स्टैंड बनाया है एंड इसको मैं यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ। किधर रखूँ, एक काम करता हूँ ब्रो, मैं इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। ओके इसको हटाता हूँ पहले, ओके मैंने यहाँ पे अटका दिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा भाई अभी गोल्डन आर्मर अपना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, मस्त लुक आना चाहिए, मेरे को लग तो ऐसा रहा है। ओके गाइस तुम देख सकते हो अपना आर्मर का सूट बनके तैयार हो चुका है, फुल आयरन मैन वाला वाइब आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे को लग रहा है मैं बोलूंगा ना ऐसे मैं ऐसा बोलूंगा जार्विस सूट, कैसे बोलता है यार वो जार्विस
गिव मी द सूट एंड ऐसा लग रहा है मेरे को ये सूट उड़ के ना मेरे अंदर पूरा लग जाएगा, मजा ही आ जाता है ऐसा हो जाता तो माइनक्राफ्ट में ना सच्ची में यार। लेकिन भाई बहुत सी लग रहा है ये, एंड रात इतनी जल्दी कैसे हो गई, अभी तो मैं उठा था सुबह सुबह यार, मैंने ऐसे टाइम खराब कर दिया कितने ज्यादा भाई साहब, बहुत टाइम खराब हो चुका है, अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है मेरे को, अब मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा भाई ठीक है ना, पहले मैं सो जाता हूँ, कल सुबह अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे ओके गाइस गुड मॉर्निंग ठीक है। अभी अपन ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आज का ये है कि आज अपन बनाएंगे भाई एक सीक्रेट लाइब्रेरी। एक मिनट ए विच आ गई मेरे घर पे, विच इधर आ, ये रहा देख मैं ये रहा, अरे विच मेरे आयरन गोलम को नहीं मार दे, रुको मेरे को ना कैसे भी करके पहले शील्ड लेके जानी पड़ेगी, ये रही शील्ड, कम ऑन इसको पहनना पड़ेगा। ए विच इधर आ, आयरन गोलम विच इधर आ, ए मेरे ऊपर फोड़ना नहीं है कुछ भी, मेरे ऊपर फोड़ना नहीं तेरे को, आयरन गोलम प्लीज बचा, गोलम हेल्प, मार उसको बड़ी आई मेरे को मारती है, इधर दे, क्या दिया भाई इसने मेरे को, ये क्या जी शुगर, शिट गोलम मरने वाला है, नहीं, मेरे को आयरन इंगट लेना होगा जल्दी से, अभी उसको देना पड़ेगा, गोलम थोड़ी देर और रुक जा बस, यस ओए अबे रुकना यार सही हो जा, अबे कब सी होगा यार ये गोलम, प्लीज गोलम, नहीं तू ऐसा नहीं छोड़ के जा सकता मेरे को गोलम, प्लीज तुझे सही होना पड़ेगा, अरे मैं नहीं लड़ रहा हूँ भाई ठीक है, बीच में यही लड़ रहा है इससे भाई, आज बहुत टाइम खराब हो रहा है अपना। एंडरमैन आ गया, गोलम मार्स को वेरी गुड, एक और एंडर पर्ल, गोलम यार एक आयरन मेरी तरफ से तू ले ले ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं पता ना गाइस, तो तुम यदि गोलम को देते हो आयरन इंगट उसके बाद में ना वो बिल्कुल सही हो जाता है, उसकी हेल्थ फुल हो जाती है एक आयरन इंगट में, ये ट्रिक केवल फिरोज को पता होती है, अब तुमको भी पता है मतलब तुम भी एक पिरो बन चुके हो ठीक है। एंड ये शुगर को भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ठीक है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या काम आएगा ये, बट शायद कुछ तो काम आएगा। तो गाइस अभी मेरे को वापस आना पड़ेगा मुद्दे के ऊपर, एंड मुद्दा ये है आज का भाई, तुम ये जगह देख रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे भाई मेरा सीक्रेट रूम बनाया हुआ है मैंने ठीक है, आज मैं इसको खोलूंगा, इसके अंदर मैंने कैद कर रखा है एक ब्लेजर को, एंड भाई ना मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, मेरे हिसाब से ना ब्लेजर रिस्पॉन तो नहीं होना चाहिए, आवाज आ रही है ना उसकी, हे ब्लेजर, हाँ देखो बोल रहा है भाई बंदा, मतलब अंदर ही खड़ा है। तो गाइस अभी अपन क्या करने वाले हैं ना, ये जो जगह है ना यहाँ पे जो सीक्रेट रूम बनाया है मैंने, उस रूम को मैं तोड़ दूंगा पूरी तरह से, एंड उसकी जगह मैं बनाऊंगा भाई अपनी सीक्रेट लाइब्रेरी ठीक है। लाइब्रेरी मेरे को इसलिए मांगती है भाई, उससे मेरे को एंशिएंट बुक बनानी है, देन मेरे को एंशिएंट बुक से ना फॉर्च्यून 3 लेना है, देन मेरे को उसको डायमंड पिकैक्स में लगाना है, देन मेरे को बहुत ज्यादा डायमंड मांगते हैं ठीक है। तो कुल मिला के बात यह मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, इसलिए मेरे को लाइब्रेरी चाहिए ठीक है। तो गाइस तुम तैयार हो जाओ, आज वो ब्लेजर बाहर निकलेगा, एंड भाई वो ब्लेजर है सबसे इम्पोर्टेंट। तो गाइस मैंने इस ब्लेजर को आजाद कर दिया है, तू भी एक उड़ता परिंदा बन चुका है अब ठीक है, घूम मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई आज अगर किसी को बताएगा ना, उससे पहले मैं खुद फोड़ दूंगा पूरे के पूरे इस घर को ओके। तो गाइस फाइनली ये अपना रूम था ना, इसको मैंने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, अब देख तू नाटक करेगा ना वापस से बंद कर दूंगा तेरे को मैं ठीक है, निकल यहां से चल, एंड मैं अपने स्टिकी पिस्टन भी वापस से ले लेता हूँ ना। तो गाइस मैं ना पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, वो लाइब्रेरी सीक्रेट भी होगी प्लस माउंटेन लाइब्रेरी भी कहलाएगी ठीक है, मेरे को एक्जैक्टली तो नाम नहीं पता मैं क्या नाम रखूंगा उसका, लेकिन कुछ ऐसा ही सोचा है मैंने। तो गाइस अभी मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, उसके लिए ना मेरे को थोड़े से प्लैंक लाने पड़ेंगे, एंड साथ ही मेरे को थोड़े से स्टेयर्स लाने पड़ेगी, 1 3 देन मेरे को आप स्टेयर्स लगानी पड़ेंगे ठीक है, इसके ऊपर मेरे को ऐसे लगानी पड़ेगी, एंड ब्रो मेरे को इसके ऊपर ऐसे लगानी पड़ेगी, क्या ये मैंने क्या कर दिया यार, ऐसे नहीं होती है वो, रुको मेरे को याद आया, एक मिनट रुको तुम ठीक है, अपने को उल्टी लगानी पड़ेगी ऐसे, एंड देन मेरे को कुछ ऐसे, एंड उसके बाद में कुछ ऐसे ठीक है। भाई तुम देख रहे हो क्या डिजाइन बनती जा रही है ना, मजा ही आ गया है देख के बिल्कुल, एंड ऐसे मेरे को सेम उस साइड करना पड़ेगा, देन मेरे को वापस इसके ऊपर एक स्टेयर लगानी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली अपना फ्रेम तो रेडी हो चुका है ना, अपनी दूर से देखते हैं ठीक है कैसा लग रहा है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, एंड ओके बहुत सही यार, जैसे सोचा था वैसे फ्रेम बनाया अपना ठीक है ना, बाहर की तरफ से मेरे को थोड़ी डर्ट वगैरह साफ करनी पड़ेगी अंदर से, एंड अभी अपन स्टार्ट करते हैं ठीक है। एक्चुअली में हो क्या गया ना, एक लफड़ा पड़ गया, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे रूम जो बनाया था ना यार, उसको मेरे को पूरे के पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा लेफ्ट साइड में, कोई नहीं अब करना तो पड़ेगा, बिकॉज मैं वापस से फ्रेम तो बनाऊंगा नहीं भाई ठीक है, इतना वापस नहीं हो पाएगा, अपन रूम में शिफ्ट कर देंगे। एंड अभी मैं चालू कर रहा हूँ भाई इस रूम को तोड़ना। तो गाइस तुम देख सकते हो फाइनली मैंने ना अंदर से पूरा का पूरा खोद दिया इस रूम को यार, मैंने 6 ब्लॉक तक पीछे गया हूं मैं ठीक है ना, एंड सामने की तरफ से भाई मैंने जो पूरी की पूरी लेयर थी इसको डबल कर दिया है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये दिख कैसा रहा है ठीक है ना, अपन चलते हैं इस तरफ, ये दिख
स्पिरो है भाई अपन, ठीक है। यहाँ से देखो ब्रो तुम, कुछ ऐसा लग रहा है ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सही लुक आया है इसका यार, मतलब मजा ही आ जाएगा ना। अपन किताबें पढ़ा करेंगे अंदर लाइब्रेरी में बैठ के, एंड मस्त यहाँ से सीन देखेंगे बाहर का, मस्त यू नो सुबह सुबह चाय और मिल जाती ना माइनक्राफ्ट में। मेरा सी कभी चाय कभी पकौड़े। अभी अपना काम ये है ना कि अपने को ये पूरे के पूरे पत्थर हटा के यहाँ पर बिना ये ओके प्लैंक लगाने पड़ेंगे ब्रो। मतलब ना लाइब्रेरी बड़ा सिंपल है बनाना, है ना। मतलब मेरे को पहले आइडिया नहीं आया इस चीज का कि फॉर्चून वगैरह लगा सकता हूँ मैं, नहीं तो मैं पहले लाइब्रेरी बनाता, बिकॉज भाई ये बहुत ही काम की चीज है ना। ओके यहाँ पे लगा दिया भाई, दीवारों की बारी है, बिकॉज दीवारें बिना फीकी नहीं पड़ेंगी अपनी। ओके तो ब्रो फाइनली मैंने इंटीरियर तैयार कर लिया है, एंड तुम देख रहे हो ब्रो कुछ ऐसा लग रहा है। अभी अपने पास में ना लाइट की कमी है, बट तुम फिक्र नहीं करो, बिकॉज आपका भाई लैंटर बनाने में बिल्कुल आगे रहता है। थोड़ी देर में अपन लैंटर बना के लाएंगे, बट उससे पहले ना मेरे को यहाँ पे ग्लास के पेन लगा देने चाहिए, वो थोड़ा सही रहेगा। एंड ब्रो मैंने एक ब्लॉक नीचे बना दिया फ्लोर, इसको सही करना पड़ेगा। तुम रुको एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे ना लगा देता हूँ वापस से। तभी मैं सोचूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को इस घर में यार, अब ठीक लगेगा। ओके फाइनली अब लेवल में हो चुकी है सारी चीजें, अभी मेरे को ना यहाँ पे लगाने ग्लास के ये पेन, एंड यहाँ से लगाएंगे अपन। ओके ब्रो तो अभी मैंने इसको पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी अपने को बाहर जाना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है। एंड ग्लास पेन बाहर से लगा दिया है मैंने, काफी हद तक अपना तैयार हो चुका है काम। अभी मैं देखता हूँ भाई लग कैसा रहा है, ठीक है। ये कैसा लग रहा है सर? ओके भाई काफी बढ़िया लुक आया, फुल कोजी कोजी वाली वाइब्स आ रही है, बहुत सही यार। अभी ना मैं नीचे के सारे डर्ट वगैरह भी तैयार कर दूंगा पूरी तरीके से, एंड तब बढ़िया लगेगा। अभी ना मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले मेरे को यहाँ के लिए गेट चाहिए होगा, बिकॉज मेरा मैं चाहता हूँ कि सामने की तरफ से ना पूरी तरह से पैक रही है, एंट्री सामने से नहीं हो, मतलब किसी को पता नहीं लगे कि भाई एंट्री हो कहाँ से रही है एग्जैक्टली, है ना, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। एंड उसके लिए ना मेरे को साइड में कहीं रास्ता छोड़ना पड़ेगा यहाँ से, एंड यहाँ से तुम देख रहे हो भाई यहाँ से सीधे ना एंट्री हो रही है यहाँ के लिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपन कुछ ना कुछ सीक्रेट पैसेज बना दे तो कैसा रहेगा, ठीक है, बिकॉज अभी तक ना मैंने कुछ प्लान नहीं करी थी चीजें। देखो यार एक तरीका तो ये होता है, तो क्या तुम देख रहे हो यहाँ से ना अपन एंट्री करते हैं अपने ऊपर वाले हैंगिंग वाले घर में जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ से मैं अंडरग्राउंड जाता जाऊँ देन यहाँ पे पहुंचने के बाद सीधे ऊपर चले जाऊँ तो वाटर एलिवेटर आके, वो भी आइडिया काफी सही लग रहा है मेरे को, तो उसी को अपनाते हैं अपन। एक मिनट तुम रुको, ठीक है अभी मैं काम करता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने रास्ता बना दिया, ठीक है, अपना टॉप सीक्रेट रास्ता। वो तुम देखो ये रहा अपना गेट, ठीक है ना, इसको अपन जैसे खोलेंगे तो तुम नीचे की तरफ देख रहे हो ब्रो, बड़े प्यार से देखना। अभी तुम्हें कुछ नहीं लग रहा होगा, बट अब तुम देखना, ठीक है ब्रो। ये देखो अभी अपन जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे गए पानी के अंदर अपन, एंड यहाँ से अपन निकल गए बाहर की तरफ ब्रो। तुम देख रहे हो कितना ईजी है, देन यहाँ से ऊपर निकालना है अपने को बस, ठीक है, मैं फंस गया क्या? ओके यहाँ से अपने को ऊपर आना है भाई, एंड अपन पहुंच चुके अपने स्टोर रूम में, ठीक है। अब मैंने ना वहां पे लाइब्रेरी को यहाँ पे कनेक्ट इसलिए करा है, बिकॉज होता है क्या ना जनरली लाइब्रेरी के अंदर अपन रखेंगे एन्चेंटेड टेबल, एंड वहां से क्या होगा भाई अपने को अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट मिलेंगे, तो उसके लिए ना मेरे को ये सारे के सारे जो भी टूल्स होते हैं इनको एन्चेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई अपन डायरेक्ट यहाँ से ले जाया करेंगे टूल्स को। अभी ना अपन से टूल्स लेके जाएंगे, देन ला 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 करते जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाना है अपने को, एंड दो मिनट में अपन पहुंच गए भाई अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। मतलब कितना सही टॉप सीक्रेट रास्ता है ना यहाँ पे। अभी मेरे को ना बस कैसे भी करके यहाँ पे दो ग्लास पैन और लगा देने, ओके यहाँ पे, एंड भाई अब अपना पूरा काम हो चुका है। तुम देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है अपनी लाइब्रेरी, बट इसके अंदर ना बुक्स की कमी है, बाकी लाइब्रेरी पूरी तैयार है अपनी, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसी लग रही है भाई, लोग सोचते रह जाएंगे अंदर कैसे जाना है भाई, टॉप सीक्रेट रास्ता है ना। अभी मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो शावल लेना है मेरे को, ये रहा शावल, एंड भाई इससे ना मेरे को ये जितना भी डर्ट है सारा क्लियर कर देना है आज, ओके, बिकॉज भाई बिल्कुल नीचे ना मस्त लगना चाहिए। एंड भाई अपनी किटी कैट यहाँ पर है, ठीक है, इसको और मैं जाने नहीं दे सकता, इस वाले ब्लॉक को मैं नहीं तोड़ूंगा, बिकॉज अगर मैंने इसको तोड़ दूंगा ना भाई अपनी किटी कैट भाग जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं इसको पालना चाहता हूँ, ठीक है। ओके ब्रो तो फाइनली मैं नीचे से भी एरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है ना, अब थोड़ा ज्यादा क्लीन लगना चाहिए अपना लाइब्रेरी। हाँ तुम देख रहे हो अभी काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, ये साइड से मेरे को ये भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद तो भाई अल्टीमेट लुक आ जाएगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, इसको अपन अभी बाद में कर लेंगे, अभी अपना सीक्रेट रास्ता भी बन चुका है। अब ना मेरे को कैसे भी यहाँ पे बस अंदर बुक्स वगैरह रखनी है एंड एंचेंटेड टेबल रखनी है, उसके लिए अपने पास में ना ब्रो ऑलरेडी में डायमंड्स तो है, बस मेरे को जिस चीज की जरूरत है ना वो है केवल और केवल लेदर की। तो ब्रो मेरे को लेदर के लिए ना काऊ को मारना पड़ेगा, एंड उसके लिए मेरे को चाहिए काफी ज्यादा वीट, बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले भाई अपन काऊ से ना और भी ज्यादा काऊ कर लें, उसके बाद में ना ब्रो अपने को ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे लेदर्स, ठीक है। काऊ यार सॉरी अब, लेकिन क्या करें यार, हमको तुमको मानना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे को लेदर मांगता है, उसके बाद ही बुक बन सकती है, बस उसके अलावा ना भाई कोई भी तरीका नहीं है जिसके थ्रू अपन ले पाए लेदर को। खाओ भाई खाओ, काई ओए खा लो यार, इतने खाओगे क्या बस? एंड ये अपना उल्टा पीपू पुपू यार, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत सही।
तो ब्रो अपने को आज तो लेदर नहीं मिल पाएगा, आज रात भी हो चुकी है ठीक है, तो लेदर अपन कल लेंगे। तो ब्रो तुम देख रहे हो अपना फाइनली बन चुका है ठीक है ना, सीक्रेट लाइब्रेरी, कल अपन इसको तैयार कर लेंगे। तो बस ब्रो अभी आज के लिए कुछ इतना ही था ठीक है, अभी मेरे को सोने जाना है ब्रो। आजकल मेरे पास इतनी जगह हो गई है ना सोने के लिए, टावर हो चुका है, हैंगिंग हाउस है, मेरा खुद का भी घर है ठीक है, तो मेरे को पता नहीं लगता कहाँ सोना है। अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करते हैं अपने खुद के घर में सोते हैं ठीक है, बिकॉज कभी कभी रुक 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 भाई साहब ये गया आज बड़ा आया, मेरे को मारना था ब्रो ये। तो बस ब्रो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे मस्त घर में सोने के लिए ठीक है यहाँ पर, एंड ये रहा भाई अपना गोल्डन आर्मर। मैं चाहता हूँ ऐसे मेरे पास डायमंड हो जाए, उसको भी यहाँ पर रख दूंगा, लेदर का भी रख दूंगा एंड आयरन का भी रख दूंगा, जितने भी तरह के होते हैं ना भाई। तो मैं सोचा ब्रो इस वाले रूम को ना अपन आर्मर रूम बना लेंगे, ऑल्दो ये कुछ होता नहीं है बट भाई अपना रूम किसी काम तो आता नहीं है वैसे भी, तो मेरे का भाई आर्मर रूम ही ठीक रहेगा इसको। तो बस ब्रो ये कुछ आज का वीडियो था, आई होप दैट यू लाइक इट। मैं सोने जा रहा हूँ अभी ठीक है, फाइनली कल अपनी लाइब्रेरी सीक्रेट लाइब्रेरी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को, आई होप दैट यू लाइक इट। कमेंट करके जरूर बताना ब्रो क्या तुम चाहते हो अपन लाइब्रेरी के सामने का जो है ना वहां पे भी गेट लगाए सीक्रेट वाला, लीवर खींच के उसको खोल के जा सके अपन, तो ये मेरे को बताना तुम ठीक है ना। तब तक के लिए खत्म करता हूं इसको, #gameover।